11,650 फीट की ऊंचाई पर उपस्थित अतिथिगण हार्दिक स्वागत करता हूं एवं आभार व्यक्त कर के लिए बहुत बहुत शाबाशी देना चाहता हूं। ये एक मोबाइल छः दशक से मतलब 60 साल से करीब इस पास को खोला जाता है बीआरओ के द्वारा और ये करीब 6 महीने तक बंद रहने वाला पास है। ये ऐसा पास है जहां पर संसार में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और जो खासकर आप लोग हैं मीडिया के भाई लोग वो जानते हैं इसकी चैलेंजेस और किस तरह से अचानक यहां पर एवलांच भी आ जाते हैं, लेकिन वो 6 महीने हमारे लगातार पिछले 60 साल से चलते रहे। पिछले साल हमने ये निश्चय किया कि इसको 6 महीने को हम कम करेंगे और पिछले साल हमने इस पास को केवल 110 दिन बंद रखा, तकरीबन 3.5 महीने, और उससे काफ़ी फायदे हुए, उसका हमने स्टडी भी किया, मैं आपको बताऊंगा। और इस साल हमने इसको 73 दिन में खोला, अभी जो आज है 73 दिन ही ये बंद रहा है, 4 जनवरी को हमने इसको खोल के रखा और आज इसको दोबारा से खोल रहे हैं। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासिक रूप से। इसके क्या हमारे फायदे हुए उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केवल ये रिकॉर्ड नहीं है, ये एक हमारी जो मानसिकता थी, जो हम सोचते थे कि भाई ये 6 महीने तो बंद ही रहेगा और 6 महीने से पहले नहीं खुल सकता, कभी कभी हम 5 महीने में भी खोल देते थे, लेकिन उसको हम तोड़ना चाहते थे। और वो आज हमारे जो बहादुर कर्मयोगी हैं दोनों प्रोजेक्ट के, बीकन और विजायक के, उन्होंने ये करके दिखाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या क्या फ़ायदा हुआ सामरिक दृष्टि से और सोशो इकोनॉमिक एंगल से। सामरिक दृष्टि से ये है कि जो हमारे ट्रुप्स लद्दाख में डिप्लॉयड हैं उनकी जो एयर मेंटेनेंस होती है वो अब जितना जल्दी रोड से हो पाएगी उससे उनको अपनी जो भी चीज़ें हैं फ्रेश है, उनके एम्यूनिशन लॉजिस्टिक्स जो भी रिक्वायरमेंट हैं वो जल्दी पहुँच पाएंगे। और जो हमारे लद्दाख के निवासी हैं, आवाम हैं वहाँ पर, कारगिल के लोग हैं, उनको जो 6 महीने तक चीज़ें नहीं मिल पाती थी जो वैली से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, सब्जियां हैं, मेडिसिन हैं, बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो जल्दी मिल पाएंगी। उससे ना केवल उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा बट उनका जो एक खुशहाली फैलती है लोगों में, आवाम में जो हमारे बाशिंदे हैं दोनों तरफ, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमने पिछले साल भी जब इसको 110 दिन तक जल्दी से खोल दिया, उसके बाद में एक स्टडी की और उस स्टडी से हमें मोटे मोटे तौर पर यह मालूम चला कि जितना जल्दी हम खोलते हैं तो उससे हमारे को एक दिन की कम से कम भारत सरकार को 7 करोड़ की बचत होती। तो पिछले बार हमने जो जल्दी खोला उसका हमें तकरीबन 400 करोड़ का हम भारत सरकार का पैसा बचा सके जो हम एयर से चीज़ें भेजते हैं लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसी सांस में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लद्दाख की ऑल्टरनेटिव जो हमारी एक्सिस है जो मनाली सरचू लेह पहुँचती है वो भी पिछले साल हमने जो मई में खुलती थी उसको हमने 28 मार्च को खोला, बारलाचला के तहत जो जाती है लाचुंगला और टंगांगला के थ्रू जाती है उसको भी हमने 28 मार्च को खोला, जिससे हमारे जो ऑयल टैंकर्स और बाकी रसद जो जाती हैं फौज के लिए और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो जल्दी जा पाए। इस बार भी उसको हम जल्दी खोलेंगे। और हमारे जो बीकन के लोग हैं यहाँ पर उन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं, राजधान को भी पिछले हफ्ते इन्होंने खोल दिया जो जाके करीब अप्रैल मई में खुलता था, उससे जो हमारे जो गुरेज वैली के लोग हैं
वो अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं, अपने एग्जाम देना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मेडिसिन के कुछ अपनी जरूरतें हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, वो शामिल हो पाया उस चीज़ में, उस प्रयासों में। और बीकानेर ने जितने भी पासिस हैं उनके अंडर में सबको पूरे साल खोल के रखा है, वर्किया गली हो, साधना पास हो, जेड गली हो, जमींदार गली, सबको उन्होंने पूरे साल खोल के रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बीकन इस तरफ बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, और दराज की तरफ हमारा जो प्रोजेक्ट विजायक है वो बहादुरी से बहुत सारा काम कर रहा है। और आपको मालूम है कि लद्दाख गवर्नमेंट ने विजायक को बहुत ज़्यादा सड़कों का और टनल्स का काम दिया है, जिससे वहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक अपग्रेडेशन है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो हो पाएगी, और जो हमारी टूरिज्म है उसमें बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पिछली बार लद्दाख गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ का एक पैकेज दिया बीआरओ को, उसमें काफ़ी सारे सड़कें थी, काफ़ी टनल्स हैं उसमें। उससे क्या है कि हमारी सड़कें जैसे जैसे पहले पीछे होती थी, अब आगे बढ़ती जा रही। पिछले साल आपको ज्ञात होगा कि उमलिंगला का नाम आपने सुना होगा, हमारे प्रोजेक्ट हिमांक जो ले में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने पूरे संसार में सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया 19,024 फुट पर। तो ये एक संसार में एक रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने भारत का झंडा पूरे संसार में फहराया है। और इस तरह से वो जो उमलिंगला पास है वो पहले जुड़ा नहीं हुआ था, चिशुमले और देमचौक के लोग जो थे वो हानले जब आते थे तो घोड़े पर बैठ के आते थे, उनको 3 दिन लगते थे। लेकिन इस रोड से बनने से, चिशुमले और देमचौक को जोड़ने से, हम जब पिछले साल वहाँ पर गए तो हमने उन लोगों से बातें की, देमचौक के लोगों से, तो देमचौक के लोगों ने हमें बताया कि साहब हम बहुत मुश्किल में रहते थे और नीचे हमें हानले आने के लिए 3 दिन लगते थे, अब हम 3.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ज़रूरी चीज़ें हमने खरीदनी है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, तो उसमें उसका बहुत ज़्यादा सहयोग हुआ। और वो जो सड़क है, जो पास है LAC से केवल 15 किलोमीटर पे, तो इससे आप जान सकते हैं कि हमारी सड़कें आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं, हमारे ब्रिजेस जो हैं आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमारी जो फौजें हैं वो आगे से आगे तैनात हैं और हर चैलेंज को स्वीकार करती हैं और हर चैलेंज को लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। और हमारे जो आवाम हैं दोनों तरफ की यूटीज़ की, कश्मीर की और जो लद्दाख के लोग हैं, उससे उनको भी बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी सड़कें बनी, वहाँ पर टूरिज्म बढ़ता है, बाहर से लोग आते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है और उनकी जो रहने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने देखा, ये हमने अभी जो ज़िला को खोला, लेकिन जो इसका यातायात का है, क्योंकि वो दोनों स्टेट की जिम्मेवारी है, दोनों यूटीज़ की जिम्मेवारी है, तो उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपस में मिलेगा, इसको अपना सलाह करेगा और फिर अपने यातायात को जाने के लिए दिन मुकर्रर करेगा।